हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन इन द आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड सम प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 3 हैप्पी बर्थडे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने चैप्टर 3 से कुछ प्रैक्टिस किए थे, आज हम उसी चैप्टर से कुछ ग्रामर फन दिए गए हैं, आज उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। राइट दिस और दैट, स्टूडेंट्स दिस और दैट, दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लुक एट दिस, दिस इज योर इंग्लिश बुक। स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिस और दैट के बारे में पढ़ना है। दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स वह। ओके, दिस मीन्स यह, यानी जो चीज हमारे पास में होता है उसके साथ हम दिस लगाते हैं, और जो चीज हमारे दूर होता है, हमसे दूरी पर होता है, उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। लुक एट दिस, प्लेट इस गर्ल के हाथ में है, यानी इसके पास में है ये चीज, ठीक है, तो इसमें हम दिस लगाएंगे। और लुक एट दिस, इससे के दूरी पे है, इसके लिए हम ये इसमें दैट लगाएंगे। ओके, यानी जो चीज हमारे पास में है, जैसे ये बुक मेरे पास है तो इसमें लगाएंगे दिस इज अ बुक, और ये बुक यदि हमसे दूरी रहेगा तो कहेंगे दैट इज अ बुक। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। डैश इज अ वर्ड, दिस इज अ वर्ड, दैट इज अ नेस्ट। स्टूडेंट्स, आप अपने जिस समय आप ये नोट डाउन करोगे तो आप अपने सामने अपनी बुक को भी खोल के रखोगे, ओके, और उसमें एक बार आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लोगे और अच्छे से समझ लोगे। ये पिक्चर के साथ दिया गया है, ठीक है, जो पिक्चर पास में है उसमें हम दिस लगाएंगे। ओके, जैसे यहाँ बर्ड है तो बर्ड पास में है तो उसके साथ हम दिस ऐड करेंगे, दिस लगाएंगे, और नेस्ट, नेस्ट दूरी पे है, ठीक है, तो उसमें हम दैट यूज करेंगे। ओके, तो यह के लिए दिस और वह के लिए दैट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डैश इज अ बी, दिस इज अ बी, डैश इज अ फल, दैट इज अ फल, दिस इज अ कप, एंड लास्ट दैट इज अ टेबल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। Write these or those, students. These or those. Okay, students. These means होता है ये, और those means होता है वे. Okay, students. यानी this किसी एक के लिए, this और that हम किसी एक person के लिए लगाते हैं, और यानी किसी एक के लिए लगाते हैं, और these और those का use हम करते हैं many, यानी बहुत सारे के लिए, ठीक है, एक से अधिक के लिए। तो these are laptops. लैपटॉप्स, लैपटॉप्स यानी एक लैपटॉप से ये अधिक है। ओके, इसके लिए हम इसमें लगाएंगे दीज, तो इसमें भी हम करेंगे दीज, जो हमारे पास में रहेगा उसे हम दीज, ये के लिए हम दीज यूज करेंगे, और वे के लिए यानी जो हमसे दूरी पर रहेगा उसके लिए हम दोज यूज करेंगे। ओके, दीज ये सब आपके बुक में पिक्चर के साथ दिया गया है, आप अच्छे से उसे पहले समझोगे तभी इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे स्टूडेंट्स। ओके, डैश आर टैबलेट्स, तो इसमें लगाएंगे हम डोज, डोज, डोज आर टैबलेट्स। सेकेंड है डैश आर बोट्स, डीज आर बोट्स, डैश आर सीट्स, तो दोज दोज आर सीट्स। एंड एट थर्ड डैश आर माई बुक्स, दीज दीज आर माई बुक्स। एंड है लास्ट, इसमें लगाएंगे टी, दोज Those are my toys. Okay, students.
स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।